यूपी की सियासत से एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर सामने आई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीएसपी के संस्थापक रहे कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान अखिलेश ने कांशीराम की तारीफ में जमकर कसीदे भी पढ़े। आखिर कांशीराम की मूर्ति का अनावरण कर अखिलेश ने क्या संदेश देने की कोशिश की? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तस्वीर में आपको एक तरफ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव दिख रहे होंगे, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इन दोनों नेताओं के बीच में मान्यवर कांशीराम की प्रतिमा है, उस कांशीराम की जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, दलितों के बड़े नेता माने जाते रहे। उन्हीं कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करने अखिलेश यादव लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर रायबरेली तक पहुंच गए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कांशीराम के संघर्ष की कहानी बयां कर आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति जाहिर कर दी। जिस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में खून पसीना बहाया, जिस आंदोलन को उस ऊंचाई तक लेकर के गए, उन्हीं को सम्मान देने का काम आज हो रहा है। इसने एक नई राजनीति की शुरुआत की थी। जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि जहां उन्होंने पंजाब में जन्म लिया, पुणे में नौकरी की और उसके बाद। दरअसल अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की ये जोड़ी बीते 6 महीने से मायावती के दलित वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर दलित समाज में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। कांशीराम की ये प्रतिमा रायबरेली में मान्यवर कांशीराम महाविद्यालय में स्थापित की गयी। इस महाविद्यालय की प्रबंधक स्वामी प्रसाद मौर्य की पत्नी शिवा मौर्य हैं। अखिलेश यादव ने जिस कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया, उनकी पार्टी बीएसपी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी यूपी में एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। लेकिन अब इसे सियासत का तकाजा कहिए या वोट बैंक की मजबूरी, अखिलेश ने कांशीराम को भी अपना लिया है, जो अब बीजेपी को तंज कसने का बड़ा मौका दे दिया। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, तब तब दलित उत्पीड़न की घटनाएं पूरे देश में, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में रही है। समाजवादी पार्टी के मंत्री रहते हुए आजम खान जिस तरह से बाबा साहब का मान करते रहे और कहते रहे कि जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगी है वो जमीनें कब्जा हो गई हैं, और जिधर हाथ दिखाई पड़ रहा है उधर की जमीन कब्जा होने वाली है, और अखिलेश जी मुस्कुराते थे। आज वो कांशीराम की मूर्ति का उद्घाटन करके ये अपील कर रहे हैं कि दलित उनके पाले में आ जाए, लेकिन दलित उनके मुगालते में नहीं आने वाला, दलित अपने अपमान को भूला नहीं। बहरहाल यूपी की सियासत में एक बार फिर दबदबा कायम करने के लिए समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ मायावती के तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, बल्कि अखिलेश यादव अब खुद कांशीराम की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात कहकर ज्यादा से ज्यादा दलित वोटों को अपने पाले में लाने की जुगत में लग गए हैं। एक दौर ये भी था कि समाजवादी पार्टी कांशीराम और मायावती के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की नीतियों की खुलकर मुखालफत किया करती थी, लेकिन एक दौर ये भी आया कि अखिलेश यादव खुद अपने हाथों से कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। शायद सही कहा गया है कि सियासत में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। वक्त पड़ने पर अपने दुश्मन को भी गले लगाने का नाम ही सियासत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, News 24। और चलिए इसी के साथ रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, देखते रहिएगा News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।